अभी तो मतलब भाई स्पीड की धजिया उड़ने वाली है। तो ये है हमारा आज का वाहन, इस पे हम लोग जाएंगे लायन देखने। यहाँ पे खुले में घूमता है शेर। इसका फाइट चल रही है, देखो फुल फाइटिंग मोड। हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अभी हम लोग हैं जूनागढ़ में और वीडियो का टाइटल और वीडियो का बैकग्राउंड देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गिर जंगल सफारी के लिए। अभी हम लोग हैं जूनागढ़ में, यहाँ से अराउंड कुछ 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सासन गिर जाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग किया था हम लोग ने, पहले सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ आपको परमिट मिलता है विच इज़ 800 रुपीज़, और उसमें आप एक जाओ या 6 लोग जाओ 800 रुपीज़। और फिर वहाँ जाने के बाद हम लोग गाइड हायर करेंगे उसका चार्जेस, और जीप हायर करेंगे उसका चार्जेस। वो दोनों चार्जेस मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा। तो अभी यहाँ पे चाय पियेंगे, बाइक पे बैठेंगे और सल्लम सल्लम गिर जंगल जाएंगे, सासन गिर। तो मिलता हूँ सीधे आपको बाइक पे। सो बाइक पे आ गए हम लोग और अभी हम लोग है जूनागढ़ सिटी में। ये आप मेरे सामने देख सकते हो, अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा गेट। और जूनागढ़ सिटी से होके हम लोग अभी जा रहे गिर जंगल। निकलना था 7:30 को, बट एज यूजुअल कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिससे लेट हो जाते हैं हम लोग। तो अभी बज रहे 8 और हम लोग को पहुंचना है 9 बजे तक, और गूगल मैप बता रहा है आप पहुँचोगे 9:15 बजे तक। तो अभी वो जो 15 मिनट का फासला है ना, वो कम करना है। तो वो कम करने के लिए गोप्रो बंद करके गाड़ी को भगाना पड़ेगा। तो अभी वही चालू है, हाईवे पर मिलता हूँ। अभी एक हाईवे की शुरुआत हो चुकी है, बट हाईवे तो किसी एंगल से लग नहीं रहा है। बट अभी जो भी है उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रास्ते हम लोग ने गुजरात में देखे, तो थोड़ा ये ऐसा रास्ता भी झेलना पड़ेगा। अब यहाँ से डिस्टेंस है कुछ अराउंड 45 किलोमीटर्स, 1 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट। बट ये रास्ता ऐसा रहेगा तो परफेक्ट 1 घंटा ही लगेगा। थोड़ा अच्छा रास्ता रहता ना तो हम लोग सल्लम सल्लम सल्लम। तो अभी वही कोशिश है, अच्छा अच्छा पैच जहाँ पे है वहाँ पे भगाएंगे। जहाँ पे ये ऐसा वाला पैच है तो स्लो करना ही है, क्योंकि एक तो कहीं से भी कोई भी आ रहा है रॉन्ग साइड से, कोई गांव में से, मतलब लेफ्ट से राइट से भी गाड़ियाँ घुस रही है। तो कुछ इधर ताल तलम नियम नम कुछ है नहीं, वही अभी सब धीरे धीरे होले होले हम लोग जा रहे हैं। स्पीड पकड़ नहीं पा रहे रास्ते की वजह से, और ये अभी फॉग आ गया। अभी तो मतलब भाई स्पीड की धजिया उड़ने वाली है। ये सब ऐसा सब सीन का शॉट है। अभी इधर वाइजर खोलता हूँ तो ठंडी ठंडी हवा मुंह के अंदर, मेरे कोमल से नाजुक से मुंह को लग रही है, मेरे आंखों से पानी आने लगा है भाई साहब। अबे वाइजर बंद ही रख यार। अबे यार ये पूरा फॉग फॉग हो गया, अरे बाप रे। तो बहुत प्रतीक्षा करने के बाद एक अच्छा सा रास्ता लग गया है, और अभी यहाँ से डिस्टेंस है कुछ 25 से 26 किलोमीटर, और आई थिंक एक ऐसा रास्ता है तो 20 मिनट में पहुंचना चाहिए। तो 9 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे, मतलब जो हम लोग का जो टाइम लिमिट था, मतलब जो टाइम कैप था, जैसे कि 9:15 को पहुंचने वाले थे पहले, वो हम लोगों ने थोड़ा भगा के 9 तक लाया है ऐसा मुझे लग रहा है। पर देखते हैं, और मुझे पता है आपको वीडियो में ये मेरा बकबक सुनने का मन नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो टाइगर देखने के लिए आए हो वीडियो में। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार, मैं सीधे मिलता हूँ आपको सासन गिर के गेट पे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सासन गिर। मेरे पीछे आप देख सकते हो खूबसूरत सा गेट है, और यहाँ से अंदर जाएंगे और आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ने ऑनलाइन बुकिंग किया था, ऑनलाइन बुकिंग हम लोग सिर्फ परमिट बुक कर सकते, उसके चार्जेस है 800 रुपीज़। आप एक हो या आपके साथ 6 लोग हैं, 800 रुपये लगता है परमिट का। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको लेना पड़ता है जीप चार्जेस देना पड़ता है, और गाइड चार्जेस है कुछ अराउंड 800 रुपया, और जीप का चार्जेस है 2000 से स्टार्ट होता है, 2000, 3000, 3500 ऐसे चार्जेस है वो। फिर आप अकेले हो या आपके साथ 6 लोग हैं, चार्जेस आपको उतना ही पे करना पड़ता है। अब अंदर जाते आगे की बुकिंग प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे बुकिंग प्रोसेस हो रहा है अभी, और परमिट हम लोग एक्चुअली ऑनलाइन परचेस किया था जिसका प्राइस है 800 रुपीज़। और परमिट लेने के बाद यहाँ पे आपको पे करना होता है गाइड चार्जेस और जीप की चार्जेस। इस तरीके की जीप्स रहती है, देख लो आप, ये पूरी केज वाली जीप है, ये ऐसी सारी जीप्स है यहाँ पे। तो ये है हमारा आज का वाहन, इस पे हम लोग जाएंगे लायन देखने।
गाड़ी है महिंद्रा की, आई थिंक ये बोलेरो है, सिक्स सीटर है, बेस बी एस सिक्स। तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं गिर जंगल में, और ये है पीयूष भाई हमारे गाइड। और सर आपका नाम क्या है? हुसैन भाई। हुसैन भाई नॉनवेज खिलाओ जरा यार, हम लोग को तरस रहे हम लोग बहुत मीठा मीठा गाय सो अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं गिर जंगल। फेमस है यहाँ के एशियाटिक लायन के लिए, और ये जो एशियाटिक लायन है, ये जो गिर जंगल है, ये एक ही ऐसी जगह है पूरे एशिया में जहाँ पे नेचुरल कंडीशंस में है। बाकी आपको और जगह लायन देखने मिलेंगे, लेकिन वो जू या केज में रखे हुए, यहाँ पे खुले में घूमता है शेर। तो ये एक ही जगह पूरे एशिया में ऐसा, एशिया कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे एशियाटिक लायन देखने मिलते हैं। तो अभी यहाँ से हमने ये गिर फॉरेस्ट में एंट्री कर लिया है। तो ये जो गिर फॉरेस्ट है, ये पूरा 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ फॉरेस्ट है, जो तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सोमनाथ, जूनागढ़ और अमरेली। यहाँ का ये जो फॉरेस्ट है पूरा ड्राई एंड रेसिडियस फॉरेस्ट है, जो आप देख सकते हो। तो ज़्यादातर यहाँ पे ये ड्राई फॉरेस्ट है, तो उसी हिसाब से यहाँ का ये जंगल लायन को सूटेबल आ गया है। आप देखोगे तो लायन का कलर, जंगल का कलर, ये रास्तों का कलर सब सेम हो जाएगा, एकदम कैमोफ्लेज। हमारे यहाँ पे ये गिर फॉरेस्ट के अंदर 1 से लेकर 13 रूट बने हुए हैं यहाँ पे, जो उनमें से सभी गाड़ी को एक रूट दिया जाएगा, तो उस रूट को फॉलो करना है। जैसे अभी हम लोगों को मिला है 10 नंबर का रूट, तो अभी हम लोग जा रहे हैं 10 नंबर रूट के ऊपर और देखते हैं कि क्या क्या हमें एनिमल दिखता है। ये यहाँ का रिवर है, हिरन रिवर। सांबर डियर, जैकल, आइना, वाइल्ड बोर, ब्लू बुल, लंगूर, लेपर्ड, पोर्क्यूपाइन, हेनी बेजर जैसे 41 पीसेस के मैमल्स एनिमल रहते हैं। फिर 47 पीसेस के रेप्टाइल्स हैं। डियर का मेटिंग कॉल है ये। नाइट के समय में हंटिंग करेगा, नाइट के समय में मूवमेंट करेगा। तो जो दिन का टाइम है वो उनका आराम करने का टाइम रहता है, क्योंकि जो हम इंसानों से 4 गुना गर्मी उनको ज़्यादा लगेगी। जो हम लोगों की जो गर्मी है वो हमारी स्किन से निकल जाएगी, लेकिन जो लायन की जो गर्मी है तो वो उनकी स्किन से नहीं निकलेगी, बल्कि अपने मुंह से निकालता है वो, आपके वो अपने स्लाइव बना के वो निकालेगा, लाड़ बना के। तो वो ज़्यादा गर्मी नहीं सहन कर पाएगा, क्योंकि जो कच्चा मीट खा रहा है उनके हिसाब से उनका जो ब्लड है वो एकदम गर्म रहता है। ये जो ब्राउन कलर की है वो फीमेल है, और जो पीछे है वो ब्लैक एंड ब्लू वाला, वो ये काला वाला मेल है क्या? हाँ, ये काला वाला मेल है, एंटीलोप फीमेल इसे है। अच्छा, और ये दो फीमेल है, मतलब ये थ्रीसम करेगा इसे। सांबर डियर कहाँ गए? ये देख, ये है सांबर, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी तक हम लोग ने डियर स्पॉट किया है, नील गाय स्पॉट किया है, बंदर स्पॉट किए हैं, लेकिन अभी मेन हम लोग को स्पॉट करना है यहाँ के एशियाटिक लायन। इसीलिए हम लोग जंगल के अंदर 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 जा रहे हैं, तो जहाँ तक नहीं दिख रहा है वहाँ तक जाएंगे, और शायद कुछ एक स्पॉट रहेगा वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, और आई होप लायन दिखे अच्छे खासा। बाकी रुमिल भाई क्या सीन है भाई? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है या फट रहा है? नहीं नहीं, मजा आ रहा है भाई, कुछ नहीं, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, नज़ारे भी अच्छे हैं। अभी तो फिलहाल ठीक हूँ, बाकी आगे बताता हूँ। ठीक है, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन मतलब दिल में बहुत बड़ी तमन्ना है कि लायन कब दिखे। और शशांक को पूछते, शशांक क्या सीन, क्या सीन, क्या सीन है भाई, लायन किधर है? इधर किधर तो रहेगा, इधर इधर किधर तो रहेगा भाई, जल्दी। सो ऑलमोस्ट अभी 2 घंटे होने को है, धूप बढ़ गई है, इसलिए पूरा ढक दिया मैंने। और जब मैं लास्ट ईयर ताड़ोबा गया था महाराष्ट्र में, तो टाइगर स्पॉट करने के लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत हम लोग ने ट्राई किया था टाइगर स्पॉट करने के लिए, बट दिखा ही नहीं था। तो जब हम लोग का जो टाइम स्लॉट
स्पॉट दिया गया था वो जब खत्म होने आया ठीक उसके कुछ 5-10 मिनट पहले हम लोग को टाइगर स्पॉट हुआ था। तो मे भी यहाँ पे भी ऐसे ही हो गए ऐसे लग रहे हैं, लेकिन ट्राई तो कर रहे हैं अभी लेकिन पता नहीं क्यों दिख रहा है। शायद हम लोग ने जो टाइम स्लॉट लिया है 9:30 to 12:30 का वो शायद गलत चूज़ किया है, क्योंकि मोस्टली 6:30 के जो भी टाइम स्लॉट थे वो सब फुल थे। हम लोग ने आगे पीछे सब डेट चेक किया था सब फुल था, तो इसीलिए अभी जाना ही है तो 9:30 ले लिया। ट्रेन का फाइट चल रहा है, देखो फुल फाइटिंग मोड, ये देखो फुल फाइट है भाई, फुल ये हिरन सब भाग रहे। देखो उन्होंने एक छोटा सा आवाज किया कुछ तो और ये सब भाग गए। पीयूष भाई ये क्या मतलब है इसका, ये हिरन आवाज करके गए? डेंजर कॉल था उसका, तो मतलब चांसेस है कि अच्छा तो मतलब ये गारंटी नहीं, ये गारंटी नहीं है कि लायन है, कुछ भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है। गिर सुवेनियर शॉप, अगर आपको लाइन अगर नहीं दिखा तो लाइन रिलेटेड जो भी आप देख खरीदना चाहते हो जैसे कि कैप, मतलब भाई फुल दुकान डाल के बैठे इधर पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए। वो ये देखो जिसने लाइन नहीं देखा वो लाइन इधर देखे फुल, क्यों दिखा नहीं रे, फुल फुल भाई फुल ले फड़ी फुल फुल बैठे ले इधर, हेलो कैसे हो। और इसी तरीके से हम लोग आ गए फिर से पार्किंग में बिना लाइन के देखे, होप्स था थोड़ा लाइन दिखेगा लेकिन लाइन का एल भी नहीं दिखा और एल लग गए। इस चक्कर में हम लोग ने काफ़ी सारा नुकसान किया, एक नाइट स्टे बढ़ाया जूनागढ़ में, बाइक से यहाँ तक गए, क्या बोले यार मूड ऑफ है पूरा अभी। तो ठीक है होता है ऐसा, कुछ कोई गारंटी नहीं देता कभी कि आपको दिखेगा ही, कोई भी आप कहीं भी कोई भी जहाँ पे ये जंगली जानवर रहते हैं टाइगर हो गया लायन हो गया, कोई गारंटी नहीं रहता कि आपको दिखेगा ही, कभी कभी एक भी नहीं दिखता तो कभी बहुत सारे दिख जाते, तो ऐसा होता है। तो ठीक है फिर से फिर कभी आऊँगा एक दिन तब, आई होप तब दिखे। तो यही एक अच्छा होप रख के इस वीडियो का एंड करते, और आई एम सो सॉरी मैं नहीं दिखा पाया लायन क्योंकि मैं मुझे खुद को दिखा नहीं तो मैं कहाँ से दिखाएगा भाई। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, जो भी दिखा उसमें अगर आप खुश हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं जूनागढ़ टू अहमदाबाद, वहाँ पे क्या होगा वो वीडियो देखो आपको पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।